नमस्कार, आज मैं आपको बताऊंगी मशीन के बारे में। जैसे आप अपने घर पे ही मशीन को सही कर सकते हैं, तो आप उसको कैसे सही करेंगे तो वो बताऊंगी। और जैसे आपके जो कपड़ा है, तो जैसे कपड़े पे आपने देखा होगा कि जब आप कपड़े को सिलती हैं तो यहाँ पे कुछ खुतरा खुतरा सा हो जाता है कपड़ा, ऐसे जैसे कपड़े में से रुआ से निकलते हैं, तो वो कैसे रुआ आप उसको कैसे सही करेंगे। और जैसे धागा टूट जाता है और नीचे से सिटिल भी धागा छोड़ देती है, तो आप उसको कैसे सेट करेंगे और कैसे सही करेंगे। और जैसे मशीन की सफाई, अगर आप रोज मशीन चलाते हैं तो आपको 20 दिन में मशीन की सफाई करनी है। अगर आप कभी कभी मशीन चलाते हैं तो 1 महीने में आपको मशीन की सफाई करनी है। सफाई करने से बहुत फायदा होता है और जो भी प्रॉब्लम है वो गंदगी से आती है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको मशीन के बारे में बताऊंगी। देखिए, जैसे ये सुई है, तो हमें लग रहा है कि हमारी ये सुई सही है, और ये धागा अगर छोड़ रही है तो इसका क्या कारण है? हमने जो सुई लगाई है वो हमारी सुई सही से सेट नहीं हुई है, उसे हमें बराबर देख के और इसको बीच में सेट करना है। अब देखिए, जैसे ये हमारी सुई लगी हुई है तो हमें इसे बीच में सेट करना है। अगर हमारा ऊपर का जो धागा है वो बार बार निकल जाता है, या हमारी सुई बार बार टूट रही है, तो किस कारण टूट रही है? तो देखिए, जैसे अगर हमारे धागा निकल रहा है तो पहले हमें सुई को अच्छे से सेट करना है। अब देखिए, आपको सुई सही से लगानी है और यहाँ पे खुतरा खुतरा कपड़ा हो रहा है और सही से नहीं आ रही है, तो आपको पहले सुई को निकालना है। और एक बात, हमेशा आपको अपनी सुई मशीन में के नंबर की लगानी है। अगर आप ये सिंपल कपड़े हैं जो पतले वाले वो सिलते हैं, तो आपको 16 नंबर की सुई लगानी है। और सुई हमेशा अच्छी कंपनी की होनी चाहिए। जो महंगी सुई आती है 10 रुपए की, तो हमेशा आपको महंगी सुई लगानी है कंपनी की। और अगर मोटा कपड़ा अगर आप सिल रहे हैं, जैसे पैंट मोटा कपड़ा होता है, बैग वगैरह, तो उसके लिए आपको 18 नंबर की सुई लगानी है। तो देखिए, जैसे हमारा कपड़ा खुतरा खुतरा हो रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये सुई की जो नोक है उसको आप इस तरीके से सही कर लें। थोड़ा सा आपको इस तरीके से घिसना है इसकी नोक को, क्योंकि जो हमारा ब्लाउज होता है जो डिजाइन का, तो जो नग होते हैं उसमें ये सुई लगने से यहाँ पे खुतरी सी हो जाती है। अगर आपका कपड़ा खुतरा खुतरा सा आ रहा है तो ये नोक खराब है, तो आपको ये नोक सही करनी है और फिर दोबारा से इसको अच्छे से सेट करना है। जो यहाँ पे देखिए चपटी सी है, तो इसको आप यहाँ पे इस तरीके से लगाएंगे बराबर, और एकदम बीच में होनी चाहिए, बराबर लगनी चाहिए। और देखना है हमें कि हमारा धागा ऊपर नीचे बराबर सही चल रहा है, तो इस तरीके से हम ये सुई को लगा लेंगे। और अगर आप पे सुई दूसरी है तो आप ये सुई को ना लगाएं। अगर आपकी सुई खुतरी खुतरी हो रही है तो आप दूसरी सुई लगा लें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये देखिए, मेरी सुई एकदम बराबर लगी हुई है, सही से लग गई है, एकदम बीच में इस तरीके से हम देख सकते हैं। अब देखिए, जैसे सिटिल है, नीचे का जो धागा है वो सिटिल का वो हमारा निकल जाता है, तो उसका क्या कारण है? तो देखिए, धागा निकल जाता है, तो ये देखिए यहाँ पे हमारा छोटा सा पेच लगा हुआ है, तो इसको हमें छोटे वाले पेचकस से इसको सही करना है। और इसमें देखना है कि कहीं धागा तो नहीं फंसा हुआ है, तो इसको हम पतली वाली सुई से सही करेंगे। अब देखिए, ये हमारा जो सिटिल है, तो देखिए इसमें हमें सुई को इस तरीके से डालना है और देखना है कि कहीं हमारा इसमें धागा तो नहीं फंसा हुआ है। तो इसमें धागा और गंदगी है वो भी फंस जाती है, उस कारण से भी हमारा यहाँ पे धागा छोड़ देती है सिटिल। तो इस तरीके से आप छोटी सुई से इसको साफ कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको इसको बराबर सेट करके रखना है। और भी एक बात है, अगर आप यहाँ पे जैसे ये सिटिल है जो नीचे वाली, तो इसमें धागा हमारा बराबर भरना चाहिए, हाथ से धागा नहीं भरना चाहिए, हमेशा आप अपनी मशीन से धागा भरें। अगर आपका मशीन में धागा भरने का जो यहाँ पे लगा हुआ होता है वो नहीं है, तो आप इस तरीके से धागा भर सकते हैं। पहले आपको थोड़ा सा इसमें धागा भरना है इस तरीके से, उसके बाद आप कुछ भी ले लें, आप सुई बड़ी सुई या कुछ भी, इस तरीके से आपको थोड़ा सा मशीन इस तरीके से चलाना है और ऐसे लगाना है, ऐसे चलाना है उसको इस तरीके से, और ऐसे लगाना है, ऐसे लगाना है आपको। तो ऐसे आपको सिटिल भरनी है। अगर ये धागा भी आपका गलत भरा है, अगर ये यहाँ पे धागा खराब भरा है जो ढीला या टाइट हो जाता है, तो भी अगर आप कपड़े को सिलेंगे तो आपका धागा ऊपर नीचे खुतरा खुतरा सा आएगा और गुच्छे आएंगे, तो आपको सिटिल भी अच्छे से भरनी है। अब मैं आपको जैसे मशीन की सफाई करना बताऊंगी कि ये देखिए देखिए ये धागा है, तो इस तरीके के धागे भी नहीं होने चाहिए। और यहाँ पे अगर धागा या कचड़ा कुछ फंसा है तो इसको
इसको भी हम सुई की मदद से इस तरीके से साफ कर लेंगे और एकदम साफ होनी चाहिए हमारी मशीन। अब हम इसको खोलेंगे। अब देखिए पहले हम इसको निकाल लेंगे। अब देखिए प्लेट को हमने निकाल लिया है। अब हमारा ये जो नीचे का घोड़ा है इसको निकाल लेंगे। ये जो नट लगे हुए हैं इनको आपको खोलना है। तो देखिए ये बहुत टाइट हो जाते हैं, तो आप इसमें पहले थोड़ा सा तेल डाल लें, इससे क्या है आसानी से खुल जाएंगे। और इसका जो नट है वो भी आपको अलग अलग रखना है, जिससे आपको ध्यान में रहे कि हमें कौन सा नट कहाँ लगाना है। तो इसको अलग रखेंगे। अब देखिए इसको निकाल लेंगे। अब देखिए कितना कचड़ा है, तो इसको हम अच्छे से साफ कर लेंगे। देखिए ये कितना कचड़ा है। अब देखिए अब हम इसको साफ कर लेंगे अच्छे से और इसको पूरा खोलेंगे। इसको अलग रख देंगे मशीन को। अब देखिए इसको हमें खोलना है इस तरीके से। तो इसका हमें ध्यान रखना है कि देखिए ये कैसे लगा हुआ है, ऐसे ही हमें लगाना है। और ये घोड़ा भी है जो अंदर का, उसको भी हमें देख के लगाना है। ये देखिए सीधे की साइड पे इस तरीके से है, तो इसे पहले हमें ध्यान से देखना है कि आप अगर खोल लें फिर आप पे लगाना ना आए, तो फिर दोबारा से वीडियो को देख लें तो वो सही से आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए इसको भी हटा लेंगे और इसको भी हमें एकदम सीधा ही लगाना है, इस तरीके से लगाना है। जैसे हमने इसको निकाला है इसी तरीके से इसको लगाएंगे। अब देखिए इसमें छोटे छोटे दो पेच लगे हुए हैं, इनको भी खोल लेंगे अच्छे से। इसको भी हमें ध्यान से रखना है और ये लगाने के लिए भी हमें ध्यान रखना है कि इसको हमें इसमें लगाना है। और ए पेच है वो हमारा इधर का है और ए पेच है वो हमारा इधर का है। तो देखिए कितना गंदा है, इसको हम साफ कर लेंगे पहले। को भी अच्छे से साफ कर लेंगे। देखिए कितना कचड़ा है। अब देखिए हमें मशीन का तेल लेना है, एक ऑयल आता है मशीन का, उससे ही आपको साफ करनी है। तो इसको हम एक कप में डाल लेंगे, इससे क्या है अच्छे से सफाई हो जाएगी। और अगर आपकी मशीन टाइट चल रही है तो वो भी ढीली हो जाएगी। और कहाँ कहाँ तेल डालना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। अगर आपकी मशीन आवाज करती है तो वो भी आपको बताऊंगी कि कैसे आप उसको सही करेंगे। तो पहले हम ये मशीन को अच्छे से साफ करेंगे, जो भी गंदगी है वो निकल जाएगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमें नीचे कमेंट करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे क्या है कि हम जो भी वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो जैसे ये लगा हुआ है उसी तरीके से हमें इसे लगाना है। अब देखिए सबसे पहले हम इसको लगाएंगे इस तरीके से, उसके बाद हम ये पत्ती लगा लेंगे। अब जैसे मैंने आपको बताया ये पेच इधर की साइड का है तो इधर ही लगाना हमें। अब देखिए हम इसको ऐसे लगाएंगे, इसको हमें अच्छे से टाइट लगाना है। अब उसके बाद देखिए हमें घोड़ा लगाना है, तो इसको देखिए इस तरीके से लगाएंगे, क्योंकि इस तरीके से लगा हुआ है तो ये देखना है हमें। अब इसके ऊपर हमें पत्ती रखेंगे, जैसे ये पत्ती लगी हुई थी। अब इसको भी हम अच्छे से लगा लेंगे। अब देखिए ये बराबर लग गया, इस तरीके से हम इसको देख लेंगे, इस तरीके से घूमना चाहिए। अब ये हमारा पूरा लग गया है। अब हम इसको जो ऊपर का है उसको खोलेंगे। ये दो पेच लगे हुए हैं। ये देखिए पेच हम इस तरीके से खोल लेंगे और ये प्लेट को हटा देंगे। यहाँ पे भी कचड़ा है तो इसको भी हम इसी तरीके से साफ करेंगे। इसको हम दांत बोलते हैं। इस तरीके से हम इसको साफ कर लेंगे और इसको भी हमें इसी तरीके से साफ करना है। इस तरीके से इसको हमें अच्छे से साफ करना है, इसमें धागा वगैरह ना हो। अब इसके बाद हमें घोड़े को लगा देंगे।
तो देखिए हमें जो हमारा ये अंदर का है इसको हमें ध्यान से सेट करना है, क्योंकि अगर ये टेढ़ा मेढ़ा रहेगा तो ये घोड़ा सही नहीं लगेगा। तो देखिए इसको हमें देखना है कि किधर की साइड, जैसे हमने इधर की साइड किया है तो इसको हमें ऐसे रखना है। अब इसको हमें बराबर रखना है कि इसमें फंस जाए अच्छे से। ये देखो एकदम इस तरीके से आना चाहिए एकदम बीच में। अब हम अपने पेच लगा लेंगे। अब हम यहाँ पे पेच लगा लेंगे, अच्छे से इसको टाइट कर लेंगे। अब उसके बाद हम ये प्लेट लगाएंगे, तो इसको भी हमें इस तरीके से साफ करना है। अब इसको हम बराबर सेट करेंगे। अब इसके भी पेच लगा देंगे। अपने पेच हमेशा हमें टाइट लगानी है, क्योंकि जब हम मशीन चलाएंगे तो ये ढीले हो जाएंगे, इसलिए हमें टाइट ही लगानी है। इसको अच्छे से हम पोंछ लेंगे, जिससे हम कपड़ा सिलेंगे तो वो खराब ना हो। अब देखिए तेल डालने का तरीका मैं आपको बताऊंगी, आपको कहाँ कहाँ तेल डालना है। अब देखिए हमें तेल कहाँ कहाँ डालना है वो देखना है। यहाँ पे हमें सफाई करनी है और यहाँ पे भी हमें तेल डालना है। इससे क्या है, हमारी मशीन ढीली हो जाएगी। अगर हमारी मशीन टाइट है तो यहाँ से टाइट होती है हमारी मशीन, तो यहाँ पे भी हमें सफाई करनी है और तेल डालना है। अगर आपकी मशीन पुरानी है तो इसी तरीके से आपको सफाई करनी है, और थोड़ा सा घाम में रख देंगे तो और भी अच्छा रहेगा। अब इसके बाद हम इसको लगाएंगे। अब देखिए हमें सिटल कैसे लगानी है, सुई को ऊपर रखेंगे। अब देखिए हमें सिटल कैसे लगानी है, पहले तो देखिए हमने धागा भर लिया है, इसके बीच में इसको ऐसे लगाएंगे और ये धागे को ऐसे निकाल लेंगे और देखेंगे हमारा धागा ये बराबर चलना चाहिए इस तरीके से। अब हम ये बीच में लगाएंगे और इसको थोड़ा सा ऐसे कट कर देंगे। अभी हमारी सिटल बराबर लग गई। अब इसके बाद हम धागा डालेंगे, देखिए ऐसे। यहाँ पे भी हमारा थोड़ा सा टाइट होना चाहिए। अब देखिए हम ये कपड़े को इस तरीके से रखेंगे और बड़ी आसानी से देखिए कितनी नरम चल रही है एकदम। देखिए हल्के हाथ से चला रही हूँ मैं और सिलाई भी एकदम सही आ रही है। ये देखिए एकदम सिलाई हमारी सही आ रही है। और यहाँ से आपको पता ही है कि हम यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर हमें बड़ी सिलाई चाहिए तो इसको ऊपर करना है, अगर छोटी सिलाई चाहिए तो इसको नीचे करना है। इस तरीके से हम इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब देखिए अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमें नीचे कमेंट करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।